नमस्कार, मैं पीयूष थाड़ा, आप देख रहे हैं अकोला न्यूज नेटवर्क। अकोला जिले के साथ शहर में गुरुवार को जोरदार बारिश हुई, जिसने लोगों की नींदें उड़ा दी। दिन भर चली बारिश के कारण शहर के निचले इलाकों में पानी भर गया था, जिससे नाला सफाई के नाम पर करोड़ों रुपए गए कहां, ये सवाल खड़ा हो रहा है। इसके साथ अकोला को डुबाने के पीछे या फिर अकोला के डूबने के पीछे किसका हाथ है, कौन है जिम्मेदार, ये सवाल यहाँ पर हम पूछ रहे हैं। देखिए ये विशेष रिपोर्ट। काफी दिनों की विश्रांति के बाद बारिश ने गुरुवार को अकोला जिले के साथ शहर में जोरदार दस्तक दी। गुरुवार को दिन भर चले बारिश के कारण मनपा के नाला सफाई की पोल खोल दी है। तेज बारिश के कारण शहर के निचले इलाकों में पानी भर गया था। मिली जानकारी के मुताबिक शहर के अनिकट डापकी रोड, सिंधी कैंप, खोलेश्वर, मालीपुरा, बड़ी उमरी, बिरला रोड, हरियर पेट, बालापुर नाका आदि इलाकों में पानी भर गया था। पानी की निकासी न होने के कारण शहर के इलाके गंदे पानी में डूब गए थे। मनपा प्रशासन तथा सत्ताधारी भाजपा द्वारा नाला सफाई के नाम पर करोड़ रुपए खर्च करने का आश्वासन दिया गया था, लेकिन लगता है करोड़ों का खर्च केवल एक ही दिन के बारिश ने धो दिया। दिन भर आई बारिश ने लोगों की रातों की नींद उड़ा दी। कई जगहों पर पानी निकासी की व्यवस्था न होने के कारण गंदगी का अंबा शहर में लग गया था, जहाँ जनता के करोड़ों गए कहां, यह सवाल खड़ा हो रहा है। अकोला शहर के डूबने के पीछे जिम्मेदार कौन, ये भी सवाल यहाँ पर खड़ा हो रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनएन न्यूज़, अकोला।